एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तीज का ब्लॉग। तो तीज में कैसे पूजा करते हैं, क्या है, तो ये सारे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। तो मैं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स, तीज हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी बड़ा पर्व माना गया है, जिसमें सुहागिन माताएं और बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, और कुंवारी लड़कियां भी कर सकती है। और इस में 16 श्रृंगार करके पूजा किया जाता है, क्योंकि माता पार्वती को 16 श्रृंगार करना बहुत पसंद था। तो यहाँ पर मैं और चाची रेडी हो गए हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से रेडी हो गए, और इस दिन हम लोगों का निराजल ही व्रत था। तो यहाँ पर हम लोग पूजा की सारी तैयारियाँ कर लिए थे, और ये मेरा पहला तीज था। तो शादी के बाद मेरा पहला तीज था, जो कि और कहते हैं कि पहला तीज मायके में ही मनाना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, क्योंकि पार्वती माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से आपको हमेशा सुहागन रहने का वरदान मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग थाली में माता जी को पूरा श्रृंगार का सामान रख लिए थे, और यहाँ पे मैंने पहले अपनी थाली सजाई, फिर उसके बाद चाची के सजाई, और वहाँ पे चाची बाकी का काम कर रही थी। और यहाँ पे चाची और मैं, हम दो ही लोग फास्ट थे, और हम लोगों का शाम के टाइम ये पूजा की हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो मैं पहली बार तीज का व्रत कर रही थी, तो मैं अपनी सासू माँ से सब पूछ के कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो वो जैसे जैसे बताते जा रही थी, मैं वैसा वैसा कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने फल भी वो कर लिया, कम से कम आपके पास 5 फल रहने चाहिए चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे अब यहाँ पे चाची आटे, साफ आटे से चौक पुरा रही थी, इसी के ऊपर चौकी रखाएगा, जहाँ पे हम लोग पूजा का स्थान बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग शिव परिवार को स्थापित करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग उसके ऊपर चौकी रख के उस पर लाल कपड़ा बिछा दिए हैं। अब इसके ऊपर हम शिव पार्वती जी और गणेश जी की मूर्ति रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मिट्टी की मूर्ति मार्केट से ख़रीद के ला लिए थे। आप पार्थिविक शिवलिंग भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं मिल पा रही थी, काली मिट्टी, इसलिए हम लोग मार्केट से ख़रीद के ला लिए थे। अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो अभी हम लोगों की पूजा की तैयारी भी हो गई, और हम लोग पूजा करने के लिए चले गए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कोई नहीं था। तो जितना पॉसिबल हो सका उतना ही मैंने वीडियो बनाया, ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए कोई था भी नहीं, और पूजा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर चाची और मैंने पूजा भी किया, और यहाँ पर मैंने चाची का मांग भर रही हूँ। और इस दिन अच्छे से मांग भरा जाता है, कहा जाता है आपके माथे पर जितनी लंबी सिंदूर होगी, आपके पति की आयु उतनी लंबी होती है। तो सभी चाहते हैं कि हमारे पति की आयु एकदम लंबी हो, और ये सिंदूर लगाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ हमारी जो पुरानी संस्कृति होती है, परंपरा होती है, वो पुरानी ही अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर हम शाम की पूजा में हम लोगों ने माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया, कथा पढ़ी, हरतालिका तीज क्यों मनाया जाता है उसकी कथा पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने आरती किया, आरती करके हमने शाम का पूजा कंप्लीट किया। ये पूजा कहते हैं कि हमेशा निराजल ही रहा जाता है, तो हम लोगों ने भी निराजल ही व्रत किया था। फिर उसके बाद तो हमारी शाम की पूजा यहाँ पर कम्प्लीट हो गई, और यहाँ पर हमने माता रानी का पूजा, शिव परिवार का पूजा कर लिया। और शिव जी हमेशा सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोगों को फिर से पूजा करनी थी, और यहाँ पे हम लोग सुबह 5 बजे उठ गए, और नहा धो के नए कपड़े पहन के मैं और चाची चले गए पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो घर में मूर्ति स्थापना की थी वहाँ पे पूजा की, फिर उसके बाद हम गए मंदिर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे चाची और मैं घर पे पूजा करके गए हम लोग मंदिर में पूजा करने के लिए। और यह सवेरे सुबह पूजा जो होती है ब्रह्म मुहूर्त में होती है, सुबह के टाइम में। तो यहाँ पे सुबह सुबह इस दिन आँखें भी बहुत जल्दी खुल गई थी। तो ये हरतालिका तीज की लास्ट विधि है, पूजा करने के बाद जो हम मूर्ति लिए हैं उसे ठंडा कर देंगे, नदी में बहा देंगे पूजा करके, और माता रानी से उनका श्रृंगार ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, आप और सभी लोग इसे बहुत धूमधाम से इस पूजा को करते हैं, इस व्रत को करते हैं, जिसे हम हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे चाची और मेरा पूजा का थाली भी रेडी हो गया, और हम लोग चले गए मंदिर पूजा करने के लिए। मंदिर पूजा करने के बाद वापस आके फल से पारण किया, और हम लोग का व्रत यहीं पे ख़त्म होता है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।